नहीं कौन कौन सी गेम खेलता रहता है यार। अरे वन प्लस फोन मत दिखा, गेम कौन सी खेल रहा था बता दे। वर्ल्ड क्रिकेट खेल रहा था भाई अभी। साथ में ले लिया चाय अपन ने। तो चाय बीट लग रही है? चाय बहुत बढ़िया बनाई है, मतलब ये ना चाय पीता। मैं चाय नहीं पीता, चाय से नहीं पीता, कह रहा मेरा फैट बढ़ जाएगा। गाइस ये देखिए, ये मैं उत्तपम बना रही हूँ। ये मेरा बैटर बना के मैंने इस पर सब प्याज व्याज मिर्ची और सब कुछ डाल दिया, हरा धनिया। ये मेरा बैटर है सूजी का, दही, और ये मेरी वाइट चटनी जो बनाती हूँ नारियल से। ये जो प्याज व्याज क्रश करके रखे हुए हैं ये मैंने बना के रखे हुए हैं। देखो शगुन है ना कितनी तेज़ है, सिद्धू का भी इंतज़ार नहीं करा है। और ये फिंगर खाने में लग रही है, कैसा लग रहा है फिंगर? टेस्टी है। सच्ची बताऊं आपको, ऐसे कैमरे में दिख नहीं रहा होगा बट बहुत ज्यादा ही पॉल्यूशन हो रहा है। क्रीम कलर है, क्रीम। अब्बा पागल है, क्रीम कलर है, क्रीम कलर है ये। ओ भाई दे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे ओ भाई कहां से हो गया भाई, येलो है, लाइट येलो देखो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका भाई सिद्ध और आप देख रहे हैं स्वच्छ और सिद्ध ब्लॉग्स। तो गाइस मैंने अपना लास्ट ब्लॉग डाला है अभी, जैसे कि आपने देख लिया होगा कि मैंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कम बैक कर लिया है। और जैसे कि आपने कुछ मेरे सुन भी लिए होंगे, उसके अंदर लिरिक्स बहुत सारे। एक्चुअली क्या हुआ कि रात में मैं एडिटिंग करना था, एंड एडिटिंग एंड होने के बाद क्या मुझे वहाँ पर सॉन्ग डालना था, बट क्या हुआ पूरा ही चला गया वहाँ पे, पूरा गाना मतलब पूरा रिवील हो गया। कोई बात नहीं, ये गाना मिक्स और मास्टर हो रखा और बहुत ही बेटर हो रखा, पूरा जाके सुनना, बहुत ही जल्दी गाना आ जाएगा। कॉल नहीं कर दी। और फिलहाल अभी मैं करने जा रहा हूँ नाश्ता। नाश्ते में है आज मिल्क और रस। तो मिल्क और रस खाने के बाद मैं निकलूँगा ऑफिस के लिए, और मम्मी लेके आई है यहाँ पर सिद्धू के लिए पराठा और साथ में घर का बना हुआ मक्खन। सफेद मक्खन है, सफेद मक्खन है जो घर का निकाला हुआ है, वो है मक्खन। मम्मी ने तो मक्खन निकाल रखा है, मेरा सुबह सुबह मन नहीं कर रहा था खाने के लिए, मम्मी कह रही खा ले, कोई नहीं खा लेते। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ नाश्ता करके ऑफिस के लिए, तो चलो मिलते हैं। गाइस कैसे हैं आप? तो आप देख रहे हैं सच रसिद ब्लॉग। तो गाइस आज सुबह मॉर्निंग में चाय नाश्ता जो करना था कर लिया, दिन में मैंने सोचा शगुन कह रही मम्मी भूख लग रही है कुछ अच्छा सा बना के खिलाओ, तो दही पड़ा था, सूजी पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो कुछ बना के खिलाती हूँ। तो क्योंकि वो रोटी कम खाती है पर मैं उसको फिर भी रोटी खिलाती रहती हूँ, तो कह रहे मम्मी कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो मैं उसको उत्तपमा बना खिला रही हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि उत्तपमा कैसे बनाती हूँ मैं। गाइस ये देखिए, ये मैं उत्तपमा बना रही हूँ। ये मेरा बैटर बना के मैंने इस पर सब प्याज व्याज मिर्ची और सब कुछ डाल दिया, हरा धनिया। ये मेरा बैटर है सूजी का, दही, और ये मेरी वाइट चटनी जो बनाती हूँ नारियल से। ये जो प्याज व्याज क्रश करके रखे हुए हैं ये मैंने बना के रखे हुए हैं। तो कैसा लगा आपको, मैं खा के भी दिखाती हूँ आपको कि कैसा लगता है। वैसे बहुत टेस्टी बनता है। साथ में मैंने आज होममेड क्या कहते हैं इडली चिली मंगवा रखा है, ये पाउडर, ये बहुत टेस्टी होता है, ये भी इसके साथ खाया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका खाने में इसका टेस्ट कैसा होता है। बाकी घर की चीज़ है तो अलबत्त अच्छी होगी होगी। और ये देखिए ये सामान है मेरा, तो मैं आपको फिर बताती हूँ। तो गाइस देखिए मेरे उत्तपमा तैयार हैं, और ये मेरी चटनी, और मैंने इसके अंदर इडली चटनी डाली हुई है रेड कलर की, और साथ में मैं थोड़ा सा इसमें भी डालूंगी क्योंकि मुझे बड़ी टेस्टी लगती है ये। ज़्यादा नहीं डालूंगी, हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी डालूंगी क्योंकि तेज़ होती है, और इसमें खाने में जो टेस्ट आता है वो मज़ेदार है। तो गाइस ये है मेरी फर्स्ट बाइट, और मैं आपको खा के दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं। आई होप अच्छे ही बने हैं क्योंकि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, तो मेरे को तो आइडिया है। तो इन्जॉय, एक नंबर। क्यों? क्योंकि अपने खाने का स्वाद ही अलग है और घर के खाने का तो बहुत ही अच्छा। तो आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी बने हैं, डिलीशियस। मुझे तो बहुत पसंद है, आप भी बताइए आपको पसंद है क्या नहीं है। गाइस तो कल है करवा चौथ, तो व्रत रखेंगे, तो मेहंदी वहंदी लगा ली है क्योंकि वही घर में इतने काम होते हैं तो मैं बाहर जाके लगा नहीं पाई हूँ, तो अपने हाथ से जैसे लगी वैसे लगा ली है। और देखो शगुन क्या कर रही है, देखो शगुन है ना कितनी तेज़ है, सिद्धू का भी इंतज़ार नहीं करा है। और ये फिंगर खाने में लग रही है, कैसा लग रहा है फिंगर? है टेस्टी है, टेस्टी है। कहाँ से लाई? दुकान, पापा के साथ गई थी।
अच्छा दोनों सही हो पापा और तू, दोनों जने जाके एंजॉय कर लेते हो है। सिद्धू भैया के लिए ध्यान नहीं दिया कि भाई सिद्धू भैया भी खा लेता, अकेले अकेले खा लिया कर तू है, सिद्धू भैया के लिए नहीं है। वो तो खा के आया था ऑफिस से। अच्छा क्या खा के आता है वो ऑफिस से? जो उसको मिलता वो खा लेता है। अच्छा जो मिलता है वो खा लेता है। अच्छा बढ़िया 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 बढ़िया, चलो ठीक है एंजॉय करो फिर। ओके ठीक है, वो कल करवा चौथ है तो कल तैयारी कर रहे हैं सारी लेडी से, सब व्रत रखेंगी तो मैं भी रखूँगी, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं रखूँगी। तो पूजा उजा कर ली है मैंने और मेरे सामने भजन है वो चल रहे हैं श्रीमन नारायण के विष्णु जी के, तो उसके बाद अभी खाना वाना बनाऊँगी, मुझे थोड़ी बहुत तैयारी है वो करूँगी कल के लिए, फिर कल इतना ही टाइम मिलेगा। ऑलराइट गाइस, आ चुका हूँ ऑफिस में, साथ में अपने मनीष भाई मिल गया था बस के अंदर, पता नहीं कौन कौन सी गेम खेलता रहता है यार। अरे वन प्लस फोन मत दिखा, गेम कौन सी खेल रहा था बता दे। वर्ल्ड क्रिकेट खेल रहा था भाई अभी, इस टाइम खेल रहा हूँ भाई। आज का मैच है पाकिस्तान बांग्लादेश का, वही चल रहा है, पर जीतेगी बांग्लादेश मेरी तरफ से, वहाँ से पाकिस्तान जीत जाए तो कोई बात नहीं, जैसे कि कल अफगानिस्तान जीती है लेकिन जीती थी मेरी तरफ से, अभी जिताइए वो भी 49 रनों में। चल भाई देख लेते हैं, प्रॉपर ये बंदा हमेशा सोता ही रहता है, इसी पोजीशन में रहता है, इसके क्या चक्कर है मुझे ये समझ नहीं आता। मार दे सर पे। अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी हम हैं डीलअप के पास बिल्कुल एक शॉप पे, जैसे कि टी की शॉप है, अपना भाई परवीन खड़ा है, देख गौरव किच्ची, गौरव नहा के आया सच्ची बता दियो, नहा के आया है पक्का? पक्का वीरू पाजी। अरे वीरू पाजी उठे कितने खड़े हो तो जी, हम तो आया भी समोसा खाने, वो बन रहे अपने समोसे आराम से गरम गरम। देख रहा है यार, ये देखो चटनी है, ये ले पूरा समोसा, पूरा समोसा। अरे आधा कर दिया अब तो काट के यार, कोई नहीं अपन समोसा एंजॉय कर रहे। साथ में ले लिया चाय अपन ने, तो चाय मीठी लग रही है, चाय बहुत बढ़िया बनाई है, मतलब ये ना चाय पीता, मैं चाय नहीं पीता, चाय से नहीं पीता, कह रहा मेरा फैट बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें शुगर होता है। कोई ना हमें शुगर या शुगर देखते रहे, गौरव किच्ची ब्लॉग्स को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, तो भाई किच्ची ब्लॉग्स भी सब्सक्राइब कर दो जाके। तो अपन कर रहे हैं अभी चाय एंजॉय, चाय एंजॉय करने के बाद निकलेंगे ऑफिस के लिए, क्यों उस्ताद जी मिलते हैं फिर आगे। अभी मैं हूँ अपने डीएलएफ के टेरिस पे, मैं सच्ची बताऊँ आपको ऐसे कैमरे में दिख नहीं रहा होगा बट बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूशन हो रहा है, पहले दूर दूर तक दिख जाता, वहाँ पर एनएसपी है, एनएसपी भी ढंग से नहीं दिख पा रहा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में। अभी तक तो आई भी नहीं दिवाली, जैसे कि मैं आ चुका हूँ अभी घर पर और बहुत तेज़ लग रही है भूख, जैसे कि मम्मी ने बनाया अभी आलू की सब्जी और रोटी, तो मैं पहले फर्स्ट क्लास से खाना खा लेता हूँ, खाना खाने के बाद मैं निकलूँगा बाहर के लिए, जैसे कि आज अपना स्टूडियो को पेंट होना था तो जाऊँगा अंशु के घर पे और देखूँगा कैसे क्या पेंट हुआ है, वैसे मैंने उसको बोला था वाइट वाला पेंट कराना है, देख लेते हैं कैसे क्या कराया उसने, ठीक है खाना खा के मिलते हैं। मैंने खा लिया है अभी खाना और निकल रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि अंशु के घर पर जाना है, स्टूडियो तैयार हो चुका है ओनली फॉर अभी पेंट हुआ है, फॉर्म वगैरह जो हमारी नॉइस कैंसिलेशन के लिए तो वो जल्दी ही लगवाएंगे, तो जा रहा हूँ मैं सीधा, तो मिलता हूँ सीधा अंशु के घर पे। तो बेसिकली कल है करवा चौथ, तो आज बड़ा गुलजार हो रहा है हमारा मार्केट, दूर दूर तक बस भीड़ हो रही है, यहाँ पर लेडीज ले रही है, जैसे ले रहा कई सारे सामान ले रहे, जैसे कि पूजा में जो काम आता है, बहुत ही मतलब रौनक आ जाती है यार कभी जब भी कोई त्यौहार आता है, दूर दूर तक यही देख रहे होगे ये लेडीज से सामान ले रही है। ला भाई सफाई करते, बढ़िया सी सफाई करते भाई दोनों, अंशु एम जे और प्रदीप लगे हुए, ये रहा अपना फुल स्टूडियो तैयार हो गया है, हो चुका है प्रॉपर ही भाई, जो सही से लगा दे भाई, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, भाई साहब को बोला था वाइट करवाना पूरा,
पर क्या येलो करवा दिया इन्होंने? येलो नहीं है, क्रीम कलर है। क्रीम कलर है? क्रीम अब पागल है क्या? क्रीम कलर पर क्रीम कलर है ये? ऑफ वाइट है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ऑफ वाइट कहाँ से हो गया भाई? ये येलो है, लाइट येलो। देखो सब गाइस आप भी देख सकते हो पेंट से उंगलिया नशा हो गया। अभी क्या भाई यार पंडित तेज से उम्मीद नहीं थी यार ये। ऑल राइट गाइज, जैसे कि मैं आ चुका हूँ अभी घर पे और शगुन खा रही है मैगी। मैगी बना रहे उसके लिए? मैं खा रही हूँ। क्या? दाल सेव। दाल सेव खा रही है। मुझे लगा शगुन ने खाना नहीं खाया तो इसलिए मम्मी उसके लिए मैगी बना रही है। तो आज पॉल्यूशन देखा यार मैंने, क्योंकि जैसे मैंने बहुत टाइम बाद टेरिस पे गया तो देखा यार दूर दूर तक, मतलब 6th फ्लोर होता ना तो दूर दूर तक खाली था। और मतलब इतना पॉल्यूशन हो चुका है दिल्ली में कि जो चीज़ हमारे को क्लियर दिख जाती थी 7-7, 8-8 किलोमीटर वो दिख ही नहीं रही, और बिल्कुल धुआं धुआं सा दिख रहा है, धुआं हो रखा है। तो प्लीज़ सारे कोशिश करो कि मास्क वगैरह पहन के ही बाहर निकले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें और प्राइवेट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना। और इलेक्ट्रिकल गाड़ी है तो सबसे बेस्ट चीज़ है। तो यार आज बड़ा अजीब सा लगा था कि पोल्यूशन में, वैसे न्यूज़ में भी खूब आ रहा है कि जैसे कि पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। अभी तक तो दिवाली भी नहीं आई और वैसे गवर्नमेंट ने भी बैन लगा दिया, कितने सालों से लगा रहे, तो इस साल भी लगा दिया है। तो दिवाली तो वैसे ही पटाखों में ही मज़ा आता है, जैसे जब तक पटाखे फूटते नहीं है बचपन से ही देखा है तो दिवाली लगती ही नहीं है कि भाई ये दिवाली है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले गया था जैसे कंशु घर पे, तो उसने वाइट वॉश तो करवा दिया। मैंने जो बोला था उसने तो करा नहीं था, मैंने बोला था कि वाइट करवा लियो, कह रहा है क्रीम है। मैंने क्रीम नहीं भाई, लाइट येलो है। आप लोगों ने देख लिया होगा ये लाइट येलो है कि वाइट है या क्रीम है। तो स्टूडियो हमारा तैयार हो रहा है, वैसे फॉर्म वगैरह भी हम लगवाएंगे उसके ऊपर ताकि जो नॉइज़ होती है माइक के अंदर जाती है तो वो ना जाए और प्रॉपर रिकॉर्डिंग वगैरह हो। तो फिलहाल यही था आज के मेरे ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे भाई का चैनल है स्वैग चौरासी का। गुड बाय एंड टेक केयर।